हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दो कोणों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, और कुछ सूत्र इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला सूत्र है जिनके बेस पर हम सवालों को सॉल्व करेंगे, वो है हमारा नंबर एक, साइन ए प्लस बी इजिक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारा पहला सूत्र होता है, ये योग का सूत्र है, दो कोणों के योग का सूत्र। और इस साइन का जो अंतर का सूत्र होता है वो होता है हमारा दो नंबर, साइन ए माइनस बी इजिक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हमारा अंतर का सूत्र होता है। अब कॉस का देख लेते हैं, जो थर्ड नंबर का है वो है हमारा कॉस ए प्लस बी। कॉस का जो ये हमारा सूत्र है वो हमारा है जोड़ का सूत्र, दो कोणों के जोड़ का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी। यहाँ पर प्लस है तो सूत्र में होगा माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है। अब अंतर का सूत्र देख लेते हैं, अंतर का सूत्र होता है कॉस ए माइनस बी इजिक्वल टू कॉस ए कॉस बी, इसमें माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। ये हमारे चार सूत्र हैं, योग और अंतर के सूत्र, इनके बेस पर हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि ये सूत्र कैसे हमको लगाना है सवालों में इसका हमें पता चल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा साइन 105 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसे हमको सूत्र बनाना है, सूत्र में कैसे इसे ब्रेक करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम सूत्र बनाएंगे, जो हमारे दे रखा है मान साइन 105 डिग्री, इसका सूत्र बनाएंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तोड़ लेंगे 105 को, साइन 60 प्लस 45। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमें इतना ही मिलेगा, तो ये हमारा सूत्र बन गया, ये ए होगा और ये बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का सूत्र बन जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ऐसे ही हम वैल्यू रख देंगे, साइन ए ए यानी कि 60 डिग्री, कॉस बी यानी कि 45 डिग्री, प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 60 डिग्री, और साइन बी देख रहा है आपको, साइन बी यानी कि 45 डिग्री। ये इतनी वैल्यू, अब इन सब का हम मान रख देंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, तो हो जाएगा हमारा साइन, साइन 60 का मान होता है रूट 3/2, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, प्लस कॉस 60 का मान होता है वन बाई टू इंटू साइन 45 होता है 1/√2। ये सभी की हमने वैल्यू रख दी, अब गुणा कर देंगे, ऊपर का गुणा इधर करेंगे तो √3/√2 आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा 1/√2। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये हमारे दोनों एलसीएम यानी कि नीचे का सेम है, तो ये एलसीएम ले लिया 2√2। अब तिरछा गुणा करेंगे नहीं क्योंकि एलसीएम हमारा सेम है, तो ये हो जाएगा √3+1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं ताकि ये जो सूत्र हैं हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा cos 75 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन में किया है वैसे ही करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, ब्रेक यानी कि सूत्र बनाएंगे, कौन सा कॉस 75 को तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 30 प्लस अगर 45 कर दें तो इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 75 ही आएगा, यानी कि यही लिखा है जो ऊपर लिखा है। तो ठीक है चलिए, अब फॉर्मूला हमारा बन गया कॉस ए प्लस बी वाला, यानी कि ए तुम्हारा ये है और बी ये वैल्यू है। तो अब फॉर्मूला खोलेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस ए की जगह 30 और कॉस बी
कॉस बी यानी कि बी की जगह 45 डिग्री, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब साइन ए, ए की जगह कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन बी यानी कि 45 डिग्री, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इन सब का मान रख देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होती है उससे हम इसका मान रखेंगे। तो कॉस 30 का मान होता है रूट 3 अपॉन 2 इंटू कॉस 45 का होता है 1/√2, माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू 45 का होता है 1/√2। इतना मान हमने रख दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो √3 का 1 से होगा, √3 आ जाएगा, इधर 2√2 आ जाएगा, माइनस 1 का ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा 2√2। अब यहाँ से फिर से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब लासा लेंगे, लासा जब लेंगे तो हमारा लासा कितना आएगा, हमारा लासा यही आ जाएगा 2√2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तिरछा गुणा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे लासा दोनों तरफ सेम आ रहा है, दोनों तरफ सेम वैल्यू थी इसलिए लासा सेम आ गया, तो ऊपर सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे √3-1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, बहुत गर्मी है आज, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है पर कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, यह हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है cot 80 डिग्री cot 10 माइनस tan 80 डिग्री tan 10, यह हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक को हम ऐसे ही रोक लेंगे, यानी कि सॉरी ये cot है, cot 80 डिग्री को ऐसे ही रोक लेंगे, इसको हम चेंज करेंगे cot 90 माइनस 80 डिग्री, तो यही हमारा आ जाएगा cot 10, अगर 90 में से 80 घटा देंगे 10 आ जाएगा, और माइनस इधर tan को रोक लेंगे tan 80 डिग्री, और इधर चेंज कर देंगे tan 90 माइनस 80, ये आ रहा है समझ में आपको, ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये इसका मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, तो आपको ये स्टेप आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा cot 80 डिग्री, अब इसको हम चेंज कर देंगे किस में, tan में चेंज हो जाएगा, tan 90 प्लस माइनस थीटा करके तो फर्स्ट में आएगा, तो हो जाएगा 80 डिग्री माइनस इधर आ जाएगा, ये तो tan 80 पहले से ही था, और इसको चेंज करेंगे तो cot में हो जाएगा cot 80 डिग्री। अब cot 80 इंटू इसको चेंज करेंगे, सूत्र लगाएंगे, tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, तो 1/cot हो जाएगा, यानी कि cot 80 डिग्री, थीटा हमारा 80 हो जाएगा, माइनस इधर भी चेंज कर देंगे ऐसे ही, tan 80 डिग्री इंटू cot का उल्टा क्या होता है 1/tan थीटा होता है, तो थीटा की जगह हमारा कितना है 80 है, तो इससे ये और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 और इधर भी आ जाएगा -1, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा, ये 1-1 आ जाएगा, तो इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे यानी कि 1 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, फिर आगे के जो क्वेश्चन होंगे, आगे का जो मेथड होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और आगे के क्वेश्चन कराएंगे, और अगर ज़्यादा वीडियो बताएंगे, ज़्यादा हम क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इतने ही करेंगे। कॉस 20 कॉस 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री साइन 70 डिग्री, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक सूत्र बन रहा है, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, यानी किसका सूत्र बन रहा है, कॉस ए प्लस बी का सूत्र बन रहा है, नहीं समझा, चलिए हम पूरा सूत्र लिख देते हैं, होता है कॉस ए कॉस बी माइनस है यहाँ पर, तो सॉरी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन है साइन बी, ये हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा, ये हमको दे रखा है इतना, ए की जगह पर 20 है और बी की जगह पर 70 है, तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे कॉस 20 प्लस 70, छोटा सा हो गया,
आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, कॉस हो जाएगा 90 डिग्री, हो गया। अब कॉस 90 डिग्री की हम वैल्यू रख देंगे तो क्या होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।